लैंड कराओ। अरे मम्मी रे, अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में जो क्लच मैंने आपको दिखाया वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी उसको एडिट करने में। एंड उसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा सोल स्पाइक जो है वो हैकर है या नहीं, जिसके चैनल का नाम है मिस्टर स्पाइक। तो यहाँ पर मैं टीपीपी इसीलिए ले रहा था क्योंकि मुझे साउंड आ गया था कि बाहर से कोई अंदर को आ रहा है, तो यहाँ पर मैं रुक के देखता हूँ कोई अंदर तो नहीं आ रहा, अगर आता है तो मैं इजी यहाँ से मार दूंगा, पर कोई भी अंदर नहीं आता तो मैं ऊपर लूटने के लिए चला जाता हूँ। तो मैं लूट ही रहा होता हूँ तभी मेरे को आवाज आती है पीछे की तरफ से कि कोई ऊपर आ रहा है, तो इधर की साइड में टीपीपी लेने लग जाता हूँ पौड़ियों की साइड से। और सही सिचुएशन देख के मैं दोनों को नॉक करके कंप्लीट भी कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और इजी 1v3 का क्लच आपको देखने को मिला, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये क्लच कैसा लगा, और इस गेम के अंदर क्लच ही क्लच है तो ध्यान से देखना इस गेम प्ले को। Chest from the cocaine, I don't wanna get left, no way, man, I wanna be the best of my domain, peace of mind never coming to my head, yeah, if I'm first then I'm gonna end up dead. अभी मैं यहाँ पर अपनी गन वगैरह को सेट ही कर रहा था, मतलब कि बैग में जो फालतू सामान था उसे बाहर फेंक रहा था एंड हीलिंग वगैरह कर रहा था, तभी मेरे पे एक और टीम पुश कर देती है, तो एक और बेहतरीन क्लच आपको देखने को मिलने वाला है। It's now or never, push it off. I'm not alright, no, I need you here. And I just might lie wide awake in fear. And let time pass by, no, I can't see clear. Think I'm lost. तो यहाँ पर मुझे सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ लग रही थी क्योंकि बंदे जो थे वो चारों तरफ से फैल के आ रहे थे, और एक बंदा नेड कर रहा था, एक बंदा उसे कवर दे रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर से फॉल बैक किया जाए एंड इनको दूसरे तरीके से मारा जाए, तो मैं इस घर से फॉल बैक करके दूसरे घर में चला जाता हूँ भाग के।
अब मैं सोचता हूँ कि वो मेरे पे पुश करेंगे क्योंकि मैं अकेला हूँ, ठीक है, उनको पता है मैं अकेला हूँ तो वो पुश करेंगे, पर वो पुश नहीं करते। यहाँ पर मैं काफी देर उनका वेट करता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि वो दूसरी टीम के साथ लड़ रहे हैं एंड मुझे लगता है कि यही एक मौका है जब मैं उनको घुस के मार सकता हूँ थर्ड पार्टी करके। तो फटाफट से मैं थर्ड पार्टी करता हूँ एंड यहाँ पर एक और नहीं दो बेहतरीन क्लच देखने को आपको मिलेंगे, थर्ड पार्टी की क्लच। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि जो दूसरी टीम है वो सामने ओपन में है तो पहले मैं उनका एक बंदा कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आके मैं खिड़कियों पे स्मोक कर देता हूँ ताकि वो मेरे को क्रॉस करते हुए देख ना ले। स्मोक करने के बाद मैं पुश करने की पूरी प्लानिंग कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं घर के अंदर घुस के कैसे मारता हूँ इनको देखो आप। Just like a dream, can't seem to make yourself go fast, yeah. You keep on going, but you're falling It's now or never, push it all in. I'm not alright, no, I need you here. And I just might lie wide awake in fear. And the time that's तो यहाँ पर मैं बहुत ही सही टाइम पे घुस के इन दोनों बंदों को मार देता हूँ जो कि सामने वाली टीम से लड़ रहे थे। उसी टाइम जैसे ही मैं इसको लूट रहा होता हूँ, इस पेटी को जिस पेटी के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मेरे को नीचे से साउंड आता है। आप अगर छोटे वाले मैप को देखोगे तो वहाँ पर भी आपको पैरों के निशान देखने को मिलेंगे। तो मैं एक बेहतरीन नेड करता हूँ यहाँ पर। और इस लास्ट स्क्वाड को मारने के बाद पूरा मिलिट्री बेस खाली हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ सोल स्पाइक के बारे में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने एक हैकर को एक्सपोज किया था जिसका नाम था स्पाइक, वो था मदन की क्लैन का बंदा। अब वो मदन की क्लैन को लीव कर चुका है, वो अकेला लीव नहीं कर चुका, मदन की क्लैन को लगभग सारे बंदे लीव कर चुके हैं एंड मदन की क्लैन में सिर्फ दो बंदे रह गए हैं, एक गोतिक है, एक उसके अलावा और कोई बंदा है या फिर एक और बंदा होगा, उसके अलावा कोई भी उसकी क्लैन में नहीं है। तो ये था पावर आप सभी का जिन्होंने जाके स्पैम किया उसके चैनल पे या फिर किसी के भी चैनल पे, जिनके भी आपने वीडियोस देखे, जिनके भी आपने प्रूफ देखे। और आप तक इतना अच्छा प्यार मुझे मिला, 40,000 लाइक यार उस वीडियो पे आए और 1,000,000 व्यू कंप्लीट होने वाले हैं, उसके लिए आप सभी को थैंक्स। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सोल स्पाइक का क्या फंड है। तो सोल स्पाइक के खिलाफ हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है, वो लेजिट प्लेयर है। तो जो भी बंदे उसको जाके हेट कर रहे हैं उसको हेट मत करो, वो स्पाइक दूसरा स्पाइक है एंड जिसको मैंने एक्सपोज किया था वो दूसरा स्पाइक था। जो सोल स्पाइक है वो सोल क्लैन का बंदा है, जो ओनली स्पाइक था वो था मदन की क्लैन का बंदा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सोल स्पाइक हैकर नहीं है। It's now or never, push it all in. I'm not तो मिलिट्री बेस खाली करके मैं इधर की साइड आ ही रहा था अपनी गाड़ी लेके, तो यहाँ पर एक गाड़ी आई जो कि फुल लोडेड थी, मतलब कि पूरी स्क्वाड थी उनकी एंड उन्होंने मेरे पे फायर किया। तो मैंने थोड़ा सा कवर लिया पहले, कवर लेने के बाद कैसे मारा इनको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने टीपीपी ली, देखा गाड़ी मुझे सामने दिख रही थी वॉच टावर के पास, तो मैं इस घर के अंदर गया एंड इस घर के अंदर जाने पे मुझे साउंड आने लग गया बंदों का जो कि इसके आगे वाले घर से आ रहा था। मैं इन बंदों की साउंड ले ही रहा था तभी मेरे को राइट साइड से आवाज़ आती है एक गाड़ी की, जिसमें एक और स्क्वाड आती है हम पे पुश कर देती है क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप पड़ा हुआ था। I
the chest from the cocaine. I don't wanna get left, no way. Man, I wanna be the best in my domain. Peace of mind never coming to my head, yeah. If I'm first, then I'm gonna end up dead, yeah. और यहाँ पर भाई साहब एक कमाल का ग्रेनेड और इन्होंने इस स्क्वाड की जिंदगी बदल दी। Just like a dream can't seem to make yourself last, yeah. You keep on going, but you're falling, you're falling. It's now or never, push it all. I'm not alright, no, I need you here, and I just might lie. इन भाई साहब ने ना आओ देखा ना ताओ सीधा घुसे आ रहे हैं, तो भाई देखो फिर कैसे बेलते हैं इनको। तो यहाँ पर मैं काफी पैनिक हो गया था, मैं हिल हिल के गोलियां इसलिए मार रहा था क्योंकि उस वाले घर में भी बंदा था तो वो कभी भी मेरे पे पुश कर सकता था, तो मैं हिल हिल के इसलिए मार रहा था। अगर जैसे उसका साउंड मेरे को आता तो मैं कवर लेके उस बंदे को मार देता, पर उस बंदे ने मेरे पे पुश ही नहीं किया तो फिर मैं उसको कैसे मारता हूँ देखो ध्यान। तो पहला ग्रेनेड मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा पर दूसरे ग्रेनेड ने अपना कमाल दिखा दिया और ये स्क्वाड भी यहाँ पर वाइप हो गई। अब सामने वाली स्क्वाड को कैसे मारता हूँ और यहाँ पर मेरे जो बचने के चांसेस हैं वो 0% थे, तो देखो फिर यहाँ पर कैसा क्लच आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप मेरा रिकॉइल देख के मुझे बिल्कुल नूब प्लेयर समझ रहे होंगे, पर मैं आपको बता दूँ ये फुल 6x था क्योंकि मैं 3 करना भूल गया था क्योंकि यहाँ पर मैंने गन चेंज की थी। तो यहाँ पर आप मेरे को कह सकते हो नूब, पर मेरे को पता नहीं था मेरा जो स्कोप है वो फुल पे है तो मैं फटाफट से उसे 3 पे करता हूँ, पर यहाँ पर 6x से भी मैं 2 बंदे नॉक कर ही देता हूँ ऑटो स्प्रे में क्योंकि बंदे काफ़ी क्लोज थे। तो यहाँ पर ये स्प्रे तो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, पर अब जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पर मैं मरते मरते बचाऊँ। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जोन आने वाला है, मैंने जोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैंने 2 बंदे नॉक कर दिए थे, मुझे पता था वो रिवाइव करेंगे तो इस वजह से मैंने फटाफट से पुश किया और एंड इस स्क्वाड को भी वाइप आउट कर दिया एंड उसके बाद मैं जोन के लिए निकल गया। अब यहाँ पर जब मैं जोन में जा रहा था तब मेरे को 3 बंदे भागते हुए ओपन में दिखते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि एक स्क्वाड पूरी बची है मतलब कि 1v3 की सिचुएशन है, तो मैं जाता हूँ पहले सामने वाले घर में घुस जाता हूँ जहाँ से मुझे तीनों पे एंगल मिले और फिर देखो किस तरीके से इन तीनों को भरता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बंदे को तो घर में घुसते ही नॉक कर दिया क्योंकि वो मेरे बिल्कुल सामने था। अब मुझे 2 बंदे की लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता थी इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मैं उसको कंप्लीट करने में अपना टाइम वेस्ट करूँ और कंप्लीट करने के चक्कर में मेरे को कहीं से हेडशॉट पड़े। अब जैसे मैं आपके साथ हेडशॉट की बात कर रहा था तभी मेरे को पीछे से साउंड आता है कि कोई बंदा मेरे पे पुश कर रहा है, तो फटाफट से मैं जाता हूँ नीचे एंड उसको देखो किस तरीके से मारता हूँ।
और यहाँ पर 15 किल के साथ इजी चिकन डिनर आपके सामने। तो आपको चिकन डिनर वाला गेम प्ले कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड डेली खेलता हूँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं करता। अगर आपको इस तरह के गेम प्ले चाहिए तो मेरे को भारी मात्रा में कमेंट करो एंड इस वीडियो को भारी मात्रा में लाइक करो ताकि मैं इस तरह के गेम प्ले आप सभी के लिए लेके आऊँ। एंड अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मैं अपनी आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आओ खेलते हैं साथ में।